हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पपी पावर्स। आज सुबह सुबह 7 बजे हमें कहीं जाना है, इसलिए हम तैयार हो गए, खड़े हो गए। बाकी सारी चीज़ें हम रास्ते में आपको बताएंगे। और सुबह सुबह नुकसान हो गया, एक जूता था, बहुत साल से मैंने यूज़ वूज़ नहीं किया था, मैंने उसे निकाला, ऊपर किया पैर और देखना इसका तो शोली बाहर निकल गया। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, लीजा जो हमारी है वो यहाँ सो रही है, और दोनों बच्चे सोफे पे चैन की नींद ले रहे हैं। तो इन दोनों को जैसे अभी हम पैक करके रूम में, और उसके बाद में हम निकलेंगे। से हेलो टू स्नो। स्नो मोटू मोटू कहाँ जा रहा है? क्या है? गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग आपको। आज हम बहुत जल्दी जल्दी उड़े हैं, बहुत जल्दी जल्दी किया है। सो जो बात है बताने वाली वो ये, बहुत सारे लोग ना बार बार ये पूछ रहे हैं कि स्नो को आप अलग रखते हो, लीजा को आप अलग रखते हो, आप लोग इनको कैसे मैनेज करते हो या कैसे अलग रहते रखने हैं? का रीजन क्या है? अलग रखने का रीजन क्या है? अलग रखने का रीजन ये है कि स्नो बहुत ज्यादा मतलब ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पजेसिव रही है बचपन से ही। एक्चुअली स्टार्टिंग में हमें भी इतना नहीं पता था, तो छोटे बच्चे थे तो स्नो को आशु बहुत ज्यादा ज्यादा प्यार करता था कि हाँ वो बच्चे होते हैं क्यूट लगते हैं, तो इसलिए। और लीजा उस टाइम तक बड़ी हो चुकी थी, तो यार लीजा लीजा और स्नो के अंदर है ना 1.5-2 साल का गैप है, तो उससे हुआ ये कि वो नई नई स्नो आई थी, छोटे बच्चों को मैं थोड़ा ज्यादा पैम्पर करते हैं, थोड़ा ज्यादा केयर करते हैं, और वो पोजेसिवनेस के चक्कर में स्नो का एक नेचर में थोड़ा चेंज आ गया। ह्यूमन फ्रेंडली, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है हमारी स्नो, मतलब किसी भी इंसान से बहुत आराम से मिल सकती है, भौंकेगी एक बार बट नहीं किसी को कुछ नहीं कहती, आज तक टच छोड़ किसी को कुछ नहीं कहा उसने। तो ऐसा जब वो बड़ी हुई, छोटे से जब वो बड़ी होने लगी, तो वो कई कई जगह पे उसको मतलब है ना लीजा का, लीजा अगर आसपास आती तो वो थोड़ी गुर्राती, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगने लगा, तो उसका नेचर है ना इस वजह से चेंज होने लगा, जस्ट बिकॉज आशु उसको थोड़ा सा ज्यादा पैम्पर करने लग गया था। तो ये एक देखो गाइज, ये एक गलती ही होती है, ये मिस्टेक है, आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए अपने हर घर में रहने वाले बच्चे को। अगर आपके पास दो पेट्स हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, आप उनको हरदम साथ में रखो, साथ में घुमाओ, साथ में एक ऐसे फील मत करो, वही बच्चे हैं, वो वही चीज जैसे ह्यूमन नेचर में होती है कि इसको ज्यादा प्यार मिल रहा है, वही उनके साथ भी होगा वही चीज। तो आपको है ना दोनों को इक्वली वो करना है ट्रीट, इसलिए हमारी स्नो थोड़ी ऐसी एग्रेसिव, तो इस वजह से हम ना थोड़ा सा स्नो को मतलब हम ऐसा नहीं है कि ऐसा करते हैं कि हम उसको कहीं अलग बांधते हैं, रहते वो दोनों हमारे ही, चारों हमारे ही रूम में है, साथ में ही जब हम होते हैं घर पे तो चारों हमारे साथ हमारे रूम में ही सोते हैं। बट वी आर द शील्ड इन बिटवीन समटाइम्स टू टेक केयर ऑफ देम। तो एक एक तरफ बंधा होता है स्नो, एक साइड बंधी होती है रूम के, और बच्चे और लीजा को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों को आदत डाल रहे हैं हम थोड़ी, और बच्चे एक साइड में बंधे हुए होते हैं। तो हम ना स्नो को बाहर जाते हुए स्नो को हॉल में छोड़ देते हैं, हॉल पूरा आराम से ओपन, पूरे रूम्स ओपन, उसके लिए फूड वाटर सब छोड़ के जाते हैं, एंड बच्चों को और लीजा को हम अंदर रूम में कर जाते हैं, सो दैट वो ज्यादा है ना चीजें खराब नहीं करे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे ज्यादा चीजें फाड़ते हैं तोड़ते हैं, तो हम उन्हें उस रूम में छोड़ के जाते हैं। वैसे तो जितने लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, वो आज के मतलब ये अटायर को देख के समझ गए होंगे कि हमने क्या किया उस दिन। सॉरी ब्रो, यार लेट हो गए, आई एम सॉरी। ये देखो गाइस, हमारी स्कूटी एंड बाइक, हमारा इन्हीं चीजों का शूट हो रहा है आज। बाबा बाबा ताली लो ना। ये मेरी जान नहीं है, ये मेरी जान नहीं है, ये आशु का बचपन का दोस्त। आज मैं दाढ़ी काटने वाला था, मैंने कहा ये मना, आशु का बचपन का दोस्त, ये चिल्लाती थी, चिल्लाएगी देखती। नहीं लग, नहीं काटी ना, लेकिन तुमने दाढ़ी दिखा। नहीं काटी। आशु शूट इलेक्ट्रिक बाइक का है, पल्सर का नहीं है, तू गलत शूट कर रहा है। आज तक बाइक चलानी आती है? थोड़े आशु चल दिया शूट के लिए। अरे आशु बाइक चल भी गई, स्टार्ट भी हो गई, पता नहीं चला, क्या बात होती है इलेक्ट्रिक बाइक्स की यार, शांति से बगल में से निकल जाएगी आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलमेट हेलमेट, सेफ्टी सेफ्टी गाइस, ध्यान रखना, हेलमेट हरदम पहना करो। ये चले हमारे सर शूट के लिए, ये बिहाइंड द कैमरा वाले को आज मैंने कैमरा में ले लिया है। मास्क हटा दे, काट देना ये क्लिप, काट देना। बिल्कुल नहीं काटूंगी मैं। यहाँ से चाबी ऑन करो, हाँ थोड़ा सा रेस दो, ब्रेक तो छोड़ो, थोड़ी सी रेस दो। इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है?
ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, 80 है। चलो अब हम शूट करेंगे। बस चाबी ऑन करके चालू हो रहे थे। हाँ बाबा, ये हथौड़ा कहाँ लेके जा रहे हो? हथौड़ा ही है। क्या करोगे इसका, इतनी बड़ी चीजों का? घूमने जा रहे हैं आज। ये शूट में हमने ट्रैफिक रोक लिया है। जाने दो। ये देखो जनाब का शूट चल रहा है। गाइडेंस दी जा रही है, ऐसे रखो वैसे रखो, पर बॉडी बिल्डर है क्या करे भाई, कहाँ तक अपने से शरीर को समेटे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एक्चुअली। आज सुबह बारिश हो गई और उसके बाद ना इतनी जोर से धूप निकली हुई है, कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि शूट करना भी बहुत भारी हो रहा है। बट हाँ, एनी हाउ वी आर मैनेजिंग। ये देखो शूट कर रहा है पीछे इधर, और यहाँ से सूरज पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। ये दूसरा हेलीकॉप्टर जा रहा है। इसको अभी थोड़ी देर पहले ना किसी घर ने ऐसे शायद मारा। कितना क्यूट है, देखो यार, यहीं घूम रहा था। सो अभी हमारा शूट चल रहा है, अभी एक लोकेशन हुई है, दूसरी लोकेशन जा रहा है। इसको किसी ने कॉलर भी पहना रखा है, सो दैट है ना इसे कोई ऐसे नगर निगम वाले लोग उठा के नहीं लेके जाए। और जस्ट अभी शूट पे बारिश आ गई है, मैं और ध्रुव बस भागने वाले थोड़ी देर के अंदर। वर्षा तो गाड़ी में जाके बैठ भी गई। क्या कर रहा है तू गाड़ी में? अरे वो जो डॉग है, ये देखो बारिश के अंदर सारे लोग बाहर खड़े हैं, भाई अकेली है तो गाड़ी में आके बैठ गई है। तो भाई मैंने मेकअप किया है, मेरा मेकअप खराब हो रहा है। देखो जरा कितनी तेज बारिश हो रही है, अब बाहर बारिश शुरू हो गई और हमारा शूट यहीं बीच में ही रुक गया है। हम सब गाड़ी में आके बैठ गए हैं। ये जो आपको कोक पीता हुआ दिख रहा है, ये देवेश है, ये सूरज है, ये हमारी मतलब ये हमारे ही अपने ही घर के लोग हैं सारे। मेरी शादी में जो काम किया था वो इन लोगों ने किया था, क्योंकि ये सब मेरे दोस्त थे। तो मैंने कहा यार मैं किसी और को क्यों ही बुलाऊं, तुम लोग ही आ जाओ मेरी शादी में काम करने। और एक छोटा सा बच्चा और हमारा आगे बैठा हुआ है। जितना तो ये है ना उससे बड़ा तो इसका कैमरा, रुको मैं दिखा दूं। खुद भी नहीं है इतना तो ये, जितना बड़ा इसका कैमरा है। सर में दर्द हो रहा है तो अभी टैबलेट खा रही है, लेकर आई, बारिश में भेज दे मेरे को बाहर, गीला हो गया मैं। गर्मी में शूट करते करते सर दुख ही जाता है। बस अभी थोड़ी देर के अंदर ही बारिश रुकेगी, वापस शूट होगा, लोकेशन चेंज होगी, हम वहाँ पे जा रहे हैं। बस रुकने वाली है, फिर अपन बात करेंगे जगतपुरा रोड पे, क्योंकि यहाँ ड्रोन चल नहीं सकता। ड्रोन यहाँ नहीं चल सकता, उड़ सकता यहाँ, एयरपोर्ट है ना? हाँ ड्रोन नहीं, एयरपोर्ट में। अच्छा, जीपीएस लोकेशन होती है तो डिटेक्ट कर। अच्छा तो एयरपोर्ट लोकेशन है, दैट्स व्हाई ड्रोन को आप फ्लाई जोन नहीं, नो फ्लाई जोन होती है, तो आप ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अभी हम लोकेशन चेंज करेंगे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ रही थी और हम लोगों को सबको भूख लग रही थी, तो यहीं पास में चीलगढ़ी रेस्टोरेंट है, चीलगढ़ी व्हाटएवर, हम लोग सारे यहाँ पे लंगर पे आ गए। अच्छी खासी लंबी टेबल है, सारे के सारे आ चुके हैं, इसके डोले के पीछे कोई नहीं दिख रहा, सब पागल हो रखे हैं भूख के मारे, सबको बहुत तेज भूख लग रही है। तो अच्छा खासा हमने लंबा ऑर्डर किया है, लंबा। बारिश अभी जस्ट रुकी है, हम लोगों ने खाना खा लिया, इतने भूखे थे कि किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया कि खाना क्या आया, क्या खाया, किसी क्या, कोई होश नहीं। हाँ, था, सब बस खाने जल्दी जल्दी खाना लिया और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, नई लोकेशन पे जाते हैं, फिर देखते हैं। मेरे को बाइक चलानी है वापस, वो देवेश ऐसे बोल रहा है कि मुझे बाइक चलानी है, पूछता है एक बार क्या करना है। बस मैंने एक शॉट ले लेता हूं कैमरा पीछे पर। ओके, ये देखना इसका सर दुखने लग गया, मतलब हाँ वैसे थोड़ा सा हैक्टिक हो गया यार, सुबह के उठे हैं यार 6:30 के और उसके बाद से अभी तक शूट चल रहा है, लास्ट लोकेशन अभी खत्म करी है हम लोगों ने, फैंसी फैंसी कैमरे लेके बैठी हुई है। ये बहुत इस ये कैमरे ये लेंस मेरा फेवरेट लेंस बन गया, लेंस देखो गाइस कितना सुंदर है। हाँ पकड़ के रखा हुआ कैमरे को है तूने, बोल तो सही कुछ अब नहीं बता रहा हूँ मैं दुनिया को, क्योंकि शूट लोकेशन पे भी सो सकता है। तो यार मॉडल्स थक जाते हैं, ऐसे कौन बोलता है कि शूट पे सोते नहीं है, रास्ते के बीच में सो सकते हैं, इतना गैप है। तुम बाकी की चीजें कहाँ गई? वाओ, इसको मैं थोड़ा एडिट करूंगा, मैनिपुलेट करूंगा थोड़ा पीछे का, यहां यार जी फोटो देखो, फोटो मस्त आई ना। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था एक फेवरेट लेंस है ना, एक और फेवरेट लेंस दिखाते हैं आपको, बहुत ही सुंदर है, मतलब अभी लेने का मन कर रहा है। ये देखो ये है बाज़ूका, मतलब ये लेंस हम शूट कर, देखो
हम ना शूट करने आए, स्कूटी हमारा प्रोडक्ट है, स्कूटी अट्रैक्शन होना चाहिए ना, लेकिन जितने भी लोग सड़क से जा रहे हैं ना, जब ये लेंस लेके सूरज खड़ा हुआ है ना, तो सब इसी लेंस को देख के रुक रहे हैं। इसका साइज देखो इस लेंस का, तो ये 4.5-5 लाख का है, तो मतलब सोचो कितना महंगा सामान होता है फोटोग्राफर्स का यार। वाइल्ड लाइफ में तो बहुत महंगा। क्या चीज़? अरे वाइल्ड लाइफ। हाँ, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाला, इसलिए ये कर आ गए। और ये देखना जुगाड़, इन दोनों के बीच में देखना कैसे जुगाड़ कर रखा है, शूट के चक्कर के अंदर बेल्ट बांध रखी है, दो जिसमें एक जान, देखना इन लोगों को। ये जिम वाले बेल्ट से एक दूसरे को बांध रहे हैं, मतलब क्या क्या करना पड़ता है शूट के लिए यार। गैंग बना ली तूने अपनी, बहुत बच्चे मिल रहे हैं। देखो एक और मिला हमें किसी का, और देखो कितने अच्छे से घूम रहा है बिना लीश के। हे बड़ी, हाय, हेलो। हम जस्ट अभी अभी ना ये नदी पार कर आए हैं। जस्ट लुक एट दोस क्लाउड्स यार, कितने सुंदर लग रहे हैं। रात हो गई और हमारा शूट खत्म होने में नहीं आ रहा है, इतनी जोर की चुंदियाई वाली लाइट आ रही है इन लोगों ने। मतलब इस बाइक का शूट ही खत्म नहीं हो रहा है। मतलब ये रात हो गई एक्चुअली में, दिखाते हैं देखो, ये देखो ये रात है, ये सिर्फ लाइट की रोशनी है ना, वो हमारे बेचारे 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 लोग थक गए सारे। इस बंदे के चक्कर है, पता है क्या है, इस बाइक के अंदर आवाज आवाज नहीं होती है, इसने आके ना स्टीयरिंग घुमा दिया यार, मुझे पता नहीं, थ्रॉटल घुमा दिया था, ये भाग गई थी आगे, मैं गिरता साथ। देखो अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल बाइक हो ना, तो ऐसी ना करें। गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी ऑन थी और ये ऐसे आके खड़ा हुआ और ऐसे आके बोलता है क्या चल रहा है, ये लो गाड़ी आगे निकल गई। सो जस्ट अभी हम शूट से फ्री हुए थे, बहुत तेज भूख लग रही थी, हम खाने की तो बल बनाने की तो बस की है। हां तो कुछ खाने के लिए आए, तो मोमोज एंड नूडल्स हैं, ये हमारे घर के बहुत पास में, ये लव मोमोज है। हैं क्या कर रहा है तू? वो चीज, वो कॉर्न पोटैटो चिप्स नहीं है, क्या खाओगे? नूडल कराए हैं, एक बटर गार्लिक नूडल। यार मेरे को नहीं खाना था, मेरे को मतलब वो खाना है, चीज वाले कॉर्न वाले मोमोज, और वो है, और वो जो फ्राइज जैसी चीज थी वो नहीं है। क्यों? वो पता नहीं, बोल रहा कल आएगी, आज इन लड़कों ने बनाई। तो ये भैया हम यहाँ पे रोज आते हैं, ऑलमोस्ट रोज मोमोज खाने आ रहे हैं यहाँ पे। और कौन कौन सी चीज अच्छी है? ये तो रोज जाता है घर पे, दो एक बार आना ही होता है। बटर गार्लिक, एक बटर गार्लिक नूडल, और दो दिन से मुझे एक चीज नहीं खिला रहे, वो कौन सी वाली है? वो चिल्ली का, वो चिल्ली पोटैटो। ये दो दिन से ना मेरे को चिल्ली पोटैटो खिला नहीं रहे यहाँ पे। आज रिकॉर्डिंग कर ली, कल मिल जाएगा सबूत। हाँ, और आप जब भी आओ शाम नगर के आसपास, आप लव मोमोज पे आ जाओ, बहुत बहुत प्यारे मोमोज है यहाँ के। सब सारा का सारे मोमोज नूडल और दुनिया भर की चीजों को पैक करा के अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। पता नहीं बच्चे क्या ही कर रहे होंगे, आज तो सुबह से बेचारों को हमने अकेला छोड़ा हुआ है। हाँ, अब हम जल्दी से घर पहुंचेंगे, फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। और उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ उधम मचा रखा होगा भाई साहब, अगर वो लीश खुल गई ना तो जो नुकसान होने वाला ना आज, मतलब हमारे बेड पे सारे चार्जर वार्जर सब रखे हैं और गलती से, मतलब क्या बात कर रहे हो, पिछले 3 दिन के अंदर 2 iPhone के चार्जर खा चुके हैं वो लोग, और एक मेरा क्या खा, एक वाईफाई का वो खा गए। हाँ, हमारे वाईफाई, वाईफाई का राउटर ही खा गए, और हमें टाइम भी नहीं मिला उसकी कंप्लेन करने का, और एक मेरा वन प्लस का चार्जर भी उड़ा दिया। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब चार्जर की दुकान लगानी पड़ रही है घर पे। प्यार देख रहे हो तुम, प्यार देख रहे हो तुम घर आते ही, प्यार देख रहे हो मोटू का, है ना मोटू? बुबू, मेरा बुबू, क्या किया तूने आज? ओवर एक्साइटेड हो गई है बहुत ज्यादा। काम करते हैं, मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू कर ही रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उसको फॉलो कर लो, उससे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे कि अगला क्या आने वाला, उसका हिंट मिल जाता है। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मा।